सेना गुरु गिन्नारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदार। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, मीन राशि वालों, 2023 में धनाढ्य राजयोग का जादू चलने वाला है। मीन राशि वालों, पिछले काफी समय से जो चल रहा है वह आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, चिंताएं उत्पन्न कर रहा है। यदि आपका भी जीवन विभिन्न समस्याओं, बाधाओं और कष्टों से घिरा रहता है तो अब रोने के दिन खत्म होने वाले है। यदि व्यापार में दिन रात मेहनत करते हुए भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, परिवार में कलह, मन मुटाव, कर्म क्षेत्र में भी आप उलझन में फंसे हुए हैं, मानसिक चिंताएं हो रही है, लेकिन अब इन सारी चिंताओं से मुक्ति मिलने जा रही है, क्योंकि इस नए साल में जिंदगी एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने वाली है और इन बदलाव का कारण होगा ग्रहों की स्थिति। तो ये वीडियो स्किप किए बिना जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 2023 को लेकर 9 बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैंने कई बड़ी भविष्यवाणी की है, कोरोना को लेकर, वायु दुर्घटना को लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, देश के अर्थतंत्र को लेकर, और वह सारी सच भी हुई है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं 2023 मीन राशि के जीवन में क्या गोल खिलाने वाला है। 2023 की भविष्यवाणी के अनुसार मीन राशि वालों, आप अभी से ही अपने भविष्य के नए सपने को दिल के कोने में पक्के तौर पर बिठाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही आप समस्याओं को हल करने के लिए अपनी मेघा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। आपका कारोबार व्यवस्थित गति से चलाने में कामयाब रहेंगे। शुभ चिंतकों, मित्रों, उच्च अधिकारी एवं बाहरी लोगों का समर्थन प्राप्त करेंगे तो गुरु ग्रह की कृपा से आप ज्ञान और समझदारी के संदर्भ में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। तो केंद्र में परिवर्तन आपको शांति, समरसता, संतुलन प्रदान करेगा। लगाव, जुड़ाव, प्यार, रोमांस, विवाह आपके लिए महत्वपूर्ण विषय होंगे। इनसे आपको नई शक्ति और स्फूर्ति मिलेगी। साथ में आप जिस सफलता की तलाश कर रहे हैं उसके दरवाजे तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जनवरी से मार्च के बीच में मीन राशि के कुछ जातकों को न चाहते हुए भी ट्रांसफर लेना पड़ सकता है। हालांकि धन की स्थिति के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। करियर को नई गति देने वाला साबित होगा। यदि आप कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपकी योजनाएं सफल होगी। सरकार का साथ प्राप्त होगा तो जो लोग विदेश से जुड़े कारोबार करते हैं उन्हें भी लाखों करोड़ों में लाभ मिल सकता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में गुप्त एवं आकस्मिक तरीके से धन प्राप्त होगा तो जो जातक अभी भी काम एवं नौकरी के लिए परेशान है उनके लिए कार्य के अच्छे ऑफर मिलने के कारण आपको लंबी एवं टिकाऊ नौकरी प्राप्त होगी। तो जो जातक पहले से ही काम धंधा नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अतिरिक्त लाभ के बेहद महत्वपूर्ण योग बन चुके हैं। 3 मार्च के बाद कुछ अच्छे निवेश भी हो सकते हैं जो आपको ढेर सारा धन प्रदान करेंगे। हम जानते हैं आपके अंदर एक खास प्रकार की बेचैनी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आप हर कार्य को जल्द से जल्द कर देना चाहते हैं और उसी अनुपात में आपको कुछ जबरदस्त लाभ भी प्राप्त होंगे, क्योंकि इस समय आपकी शक्ति, सामाजिक स्थिति व पद में इजाफा होने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे। खासतौर पर जो प्राइवेट कंपनियों में कार्य कर रहे हैं उन्हें सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ सम्मान के स्वरूप अवार्ड भी दिया जा सकता है। बैंकिंग, IT, ई-कॉमर्स एवं टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं वह 2023 में नई जगह में नई खुशियां प्राप्त करने के लिए तैयार रह सकते हैं, क्योंकि मई से लेकर जुलाई तक का समय आर्थिक दृष्टि से बदलाव लाएगा और इस समय आप प्रॉपर्टी या वाहन भी बेच सकते हैं और उनसे मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। पूरे साल के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण आप गोल्ड एवं करेंसी एवं शेयर बाजार में भी निवेश की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो प्रेम और चाहत के लिए भटक रहे हैं। जी हाँ, मीन राशि के हर जातक प्रेम से संबंधित नया अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि पूरे साल के दौरान गुप्त मुलाकातें, प्रेम मिलन व संभवतः चोरी छुपे होने वाले प्रेम के मामले में लिप्त रहेंगे। प्रेम सुख, देह सुख प्राप्त होगा। यहाँ तक पुनर्विवाह की भी संभावनाएं बन रही है। जो अपने घर से दूर है उन्हें अपने परिवार के पास आकर समय बिताने का मौका मिलेगा तो विदेश जाने का सपना, विदेश में पढ़ाई का सपना, स्थायी नागरिकता का सपना सच हो सकता है। यहाँ तक 2023 के मध्य में आपकी अभिलाषा, इच्छा पूरी होगी, क्योंकि जनवरी, मार्च, जून और नवम्बर में दूर दराज के संपर्क या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग आपके लिए सुखद एहसास दिलाएगा। यकीन मानिए शनिदेव आपको आपकी मेहनत फल अवश्य प्रदान करेंगे। जो अपने छोटे कारोबार को बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, जो नौकरी करते
करते हुए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ तक आप नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। आयात निर्यात, यातायात, टेक्सटाइल, सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जातक उन्नति, प्रगति और सफलता के शिखर तक पहुँच सकेंगे। वह दिन अब दूर नहीं है जहां आप बहुत शान से जीना चाहते हैं, क्योंकि धन योग आपके मनचाहे सपनों को, आकांक्षाओं को साकार अवश्य करेगा। विशेष तौर पर वह भाग्यशाली लोग हैं जो अभिनय, कला, फैशन, डिजाइनिंग, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको नया कॉन्ट्रैक्ट, नई जगह पर कार्य एवं बड़े व्यक्ति का सहयोग चमका सकता है। हालांकि मार्च के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि आपकी अनोखी मुठभेड़ किसी दुर्घटना या मानसिक तौर पर परेशानी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। यदि आपका भी कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वह 2023 में खत्म होगा, चाहे वह पैतृक संपत्ति से हो, पारिवारिक झगड़े का हो या फिर अनजानी मुसीबतों में फंसने के कारण हो, आप बाहर निकलेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। हालांकि जो कर्ज में फंस चुके हैं, निवेश में घाटा हो चुका है, उन्हें भी उम्मीद की नई रोशनी नजर आएगी। शासन प्रशासन में बैठे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा तो राजनीति से जुड़े जातक भी पूरे वर्ष के दौरान सम्माननीय पद का लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि फिर भी पार्टनर पर आंख बंद कर भरोसा करना, किसी अनुबंध, कानूनी दस्तावेजों को पढ़े बिना दस्तखत करना आपके लिए नुकसान कारक हो सकता है। और जो यह सोचते हैं कि बिना ग्रहों के सुप्रभाव के बगैर वह आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं उन्हें जरूर कहूंगा, भाग्य के सहयोग के लिए ग्रहों के प्रभाव को आप जरूर बढ़ाएं, क्योंकि 2023 आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बाहें पसारे फैला हुआ है। जरूरत है तो आपको योग्य मार्गदर्शन की। सबसे बड़ा लाभ उन नौजवानों को मिलेगा जो प्रेम बंधन में बन चुके हैं और रिलेशनशिप को नया नाम देना चाहते हैं। मानकर चल सकते हैं 2023 में शादी होना संभव है। पूरे साल के दौरान अपनों के साथ ढेर सारी खुशियां प्राप्त करेंगे, चाहे वो सिनेमा, नई जगह पर घूमना फिरना, चैट फोन के माध्यम से मजेदार रहेगा, यहाँ तक आपकी दोस्ती प्यार में भी तब्दील हो सकती है। कुल मिलाकर यह राशिफल स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, प्रेम के लिहाज से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।